नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हुनरबाज में शानदार प्रस्तुति, हिमाचल पुलिस बैंड ने टॉप 12 में बनाई जगह। हिमाचल पुलिस के बैंड द हारमोनी ऑफ पाई ने निजी चैनल के एक शो हुनरबाज में शानदार प्रस्तुति देकर टॉप 12 में जगह बना ली है। शो में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी और करण जौहर ने भी उनकी जबरदस्त तारीफ की। इस दौरान पुलिस टीम ने रोहित की फिल्म का म्यूजिक भी बजाया। इसके बाद रोहित ने अपनी फिल्म में हिमाचल पुलिस टीम को बैकग्राउंड म्यूजिक देने का न्योता दिया। फ्रेंडशिप डायलॉग बांग्लादेश ही नहीं भारत के लिए भी खतरा है, रोहिंग्या शरणार्थी। रोहिंग्या शरणार्थियों की अवैध तरीके से आवाजाही न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे की तरह भी है। यह बात बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद शहरयार आलम ने पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि वह स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि इस बारे में भारत से बांग्लादेश सहयोग की ज़्यादा उम्मीद लगाए हैं। UGC नेट रिजल्ट, संदीप बोध ने देश में पाया छठा स्थान, अंकिता ने JRF भी पास किया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के युवक संदीप बोध ने UGC नेट में लोहा मनवाया है। उन्होंने परीक्षा में 99.983% अंक लेकर शिक्षा विषय में देश भर में छठा स्थान हासिल किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 दिसंबर 2021 को UGC नेट की परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में 99.983% अंक लेकर उन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी ओर जोगिंदर नगर की मटरू संदराल गांव की छात्रा अंकिता वर्मा ने राजनीति विज्ञान विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग NTA के सहयोग से हर वर्ष नेट JRF की परीक्षा करवाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण कबड्डी में रुचि है तो ट्रायल के लिए 24 को धर्मशाला पहुंचे युवतियां। कबड्डी में दिलचस्पी रखने वाली युवतियों के लिए बेहतरीन मौका है। भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र प्रभारी M. नटराजू ने बताया कि कबड्डी की महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचान के लिए चयन परीक्षण 24 और 25 फरवरी को भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला में होगा। इच्छुक प्रतिभागियों को 24 फरवरी को प्रातः धर्मशाला में उपस्थित होना होगा। इच्छुक प्रतिभागी की आयु 16 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जहरीली शराब मामला, अब 4 असिस्टेंट कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी। जहरीली शराब मामले में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार कर ली है। 3 एक्साइज इंस्पेक्टरों को निलंबित करने के बाद अब सरकार ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी पर भी ड्यूटी में लापरवाही का ठिकरा फोड़ दिया है। सरकार ने 4 असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। इन चारों वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र अपना पक्ष रखने के निर्देश भी दिए हैं। बजट सत्र के बाद होंगे डॉक्टरों के तबादले, 100 से ज़्यादा DO आए। हिमाचल प्रदेश में 23 फरवरी से होने वाले बजट सत्र के चलते डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और नर्सों के तबादले नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए भी सरकार ने मना कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के चलते मेडिकल कॉलेजों, जोनल और सिविल अस्पतालों से डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों की फील्ड में तैनाती की है। वहीं कोरोना के मामले कम होने पर इन्हें वापस बुलाया जाना है, लेकिन बजट सत्र के चलते सरकार ने यह मामला लंबित रखा है। सरकार के पास तबादलों और प्रतिनियुक्ति को लेकर आई करीब 100 से अधिक फाइलों को पास कर दिया गया है। 1,00,000 नकद पुरस्कार, हिमाचल गोट टैलेंट रियलिटी शो में प्रतिभा दिखाएंगे बच्चे। हिमाचल गोट टैलेंट रियलिटी शो में मंडी जिला के 150 से अधिक बच्चों के जोगिंदर नगर में ऑडिशन लिए गए। करीब 50 बच्चों ने ऑडिशन में भाग लिया। इनमें अगले राउंड के लिए 20 बच्चों का चयन किया गया। इस दौरान नन्हे बच्चों ने गाय नृत्य और एकांकी के माध्यम से अपने हुनर का प्रदर्शन किया। ऑडिशन में मुख्य अतिथि समाज सेवी सीमा वालिया ने हिमाचल गोट टैलेंट प्रतियोगिता में बच्चों की प्रतिभा को परखा।
सीआईडी फर्जी आईजी मामले में आरोपी अग्रवाल के बैंक खाते से हुआ है करोड़ों का लेन देन। फर्जी आईजी मामले में आरोपी विनय अग्रवाल के बैंक खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। आरोपी के खाते से रिश्तेदारों के खातों के अलावा कई अन्य लोगों के बैंक खातों में पैसा आया और गया है। आरोपी ने अपने बयान में सीआईडी की विशेष जांच टीम एसआईटी को जो जानकारी दी है उसका बैंक खाते से मिलान किया गया है। घर बनाना होगा महंगा, ईंट के प्रति हजार 1500 से लेकर 2000 तक बढ़ेंगे दाम। घर बनाना अब और महंगा होने वाला है। आम आदमी अभी सीमेंट सरिये की बड़ी कीमतों के झटके से उबर नहीं पाया था कि अब ईंटों के दामों में भी आग लगने वाली है। बताया जा रहा है कि 15 दिन के भीतर प्रति हजार ईंट की कीमत 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ जाएगी। इस समय ईंट 6500 रुपए प्रति हजार के हिसाब से मिल रही है। आने वाले दिनों में 8 से 9 हजार के बीच बिकेगी ईंट की कीमत में अचानक होने जा रही बढ़ोतरी लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शिक्षा बोर्ड SOS के 1126 विद्यार्थियों ने जमा नहीं करवाया परीक्षा शुल्क, 28 फरवरी तक दिया मौका। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय SOS के तहत 8वीं 10वीं व 12वीं कक्षा के करीब 1126 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रवेश पत्र बिना परीक्षा शुल्क के बोर्ड कार्यालय में जमा करवा दिए। शिक्षा बोर्ड ने 28 फरवरी तक बैंक ड्राफ्ट बोर्ड कार्यालय के कैश काउंटर में जमा करवाने का मौका दिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय आउटसोर्स भर्ती मामले की जांच शुरू, संयुक्त निदेशक हमीरपुर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के बहुचर्चित आउटसोर्स भर्ती मामले की जांच शुरू हो गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर पहुंची है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा के निर्देश पर विभाग ने विश्वविद्यालय में हुई आउटसोर्स भर्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं इसके चलते जांच टीम ने विश्वविद्यालय पहुंचकर आउटसोर्स आधार पर होने वाली इन भर्तियों को लेकर रिकॉर्ड खंगाला है और अधिकारियों से लंबी पूछताछ की है। सही तरीके से लागू नहीं हुआ नया वेतन आयोग। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सरकार पर न्यू पे कमीशन को सही तरीके से लागू नहीं करने के आरोप लगाए हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सरकार कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने सरकार से मान्यता प्राप्त अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्विन ठाकुर की नियुक्ति को भी असंवैधानिक करार दिया। विनोद कुमार ने कहा कि सरकार ने पहले ही न्यू पे कमीशन को देरी से लागू किया और अब इसमें कर्मचारियों को उलझा दिया गया है। इसके चलते कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि पे कमीशन को 31 दिसंबर 2015 के बाद 2.59 के फैक्टर के साथ सभी कर्मचारियों पर लगाया जाना चाहिए था और अगर उसके बाद कोई विसंगति निकलती तो उसको दूर करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनोद कुमार ने कहा कि सरकार ने JCC को एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित कर दिया है। तो ये थी सुबह की मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।